हाय गाइस, माय नेम इज लखन एंड आई लव नेचर। लेकिन दोस्तों, जब मैं इस नेचर को ऐसे दुखी देखता हूँ, बर्बाद होते हुए देखता हूँ, तो मुझे बड़ा हर्ट होता है। रियली दोस्तों, अंदर से रोना आ रहा है इस जंगली जानवर को, इस नील गाय को देखकर। ये तीन पैरों पे चल रहा है, एक पैर के हड्डी टूट रही है या घाव है इसके, क्या है आप देख सकते हो। इसके जॉइंट पे इतनी सूजन है, बिल्कुल ये टेक भी नहीं पा रहा। और दोस्तों, इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हम कैसे हैं कि आप देखो, अब ये जो जाल व्यवस्था है, ये जो खेतों के हम जाल लगाते हैं, ये जो जाल लगाते हैं ना, इनको जब ये क्रॉस करते हैं, ये इधर से उधर आते जाते समय इनमें फंस जाते हैं और इनका या तो पैर टूट जाता है या इनके बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनके पूंछ भी टूट चुकी है। पूंछ छोटी छोटी बंडे में दिखाऊंगा आपको। और या फिर कुछ दिन में ये मर जाते हैं। जैसे ये फसल कट चुकी है, अब एक खुले मैदान घूमते हैं, जैसे इसको दिखेंगे तो इनको डॉग्स खा जाएंगे। लेकिन दोस्तों, चलो वो तो नेचर है, एक जीवो जीवस्य भोजन वाली बात हम मान सकते हैं। लेकिन यार, कुछ लोग अब ये भी कहेंगे कि भाई, ये हमारी फसल बर्बाद करते हैं, इनको तो मर जाना चाहिए, इनको शिकार कर लो, इनको गोली से मुड़ा दो। अरे यार, इस नेचर पर, इस प्रकृति पर सबका बराबर का अधिकार है दोस्तों। हाँ, दिमाग है इंसान के पास, वो कुछ भी कर सकता है। वो हाथी, ये तो छोटे जानवर हैं, वो हाथी और शेर को भी काबू कर सकता है। वो एक अलग सोच है, एक अलग बात है। लेकिन कम से कम ऐसा कुछ ना करें जिससे कि ये बेजान जुबान, ये बेजुबान जानवर बेचारे इतने दुखी। अब देखो, मैं इसके काफ़ी नज़दीक से फिल्मा रहा हूँ, उसके बाद भी ये बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा दोस्तों। अभी थोड़ा आगे इस वीडियो में, लास्ट में मैं ऐसा दिखाऊंगा कि एक नील गाय है, उसके तो जो पैर हैं उनमें इतने घाव हैं कि उनको कौवे नोच नोच कर खा रहे हैं। तो गाइस, प्लीज़ यार, ऐसे जंगली जानवर को कहीं आप दुखी देखो तो इनकी हेल्प, इनके लिए अब राजस्थान में पानी की कमी है। अब धीरे धीरे वैसे ही जैसे लू चलना शुरू हो गया है, जैसे जैसे अब गर्मी बढ़ेगी, ये सारे प्यास से वैसे ही मर जाएंगे, लगभग आधे रह जाते हैं। बरसाती मौसम में ये इनकी संख्या बढ़ती है और गर्मियों में ये वापस। अब मैं इसको दिखाना चाहता हूँ आपको, देखो इसके पैरों में घाव है, इसकी पूँछ भी छोटी है, कट चुकी है। तो ये देखो देखो, कौवे इनको नोच नोच कर खाते हैं दोस्तों। तो यार, इस प्रकृति को बचाओ ताकि हमारे आने वाली जनरेशन भी कुछ जंगली जानवर देख सके। यार, एक ज़माना था जब बहुत कुछ देखा करते थे और अब सब कुछ ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार, इसको शेयर ज़रूर करना।